वही प्रोग्राम जिसने मचा रखी है धूम, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यानी कि वही मोटिवेशनल बातें और वही धूम धड़ाकेदार मज़ेदार मसाला। एक बार फिर आपके सामने प्रोग्राम ये हाजिर है और हाजिर हूँ मैं। अच्छा बर भाइयों, आज कल हम अखबार में जो देख रहे हैं तो यही सुर्खियाँ हैं कि हर तरफ बाढ़ ही बाढ़, बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी। कुछ दिन पहले तक ये था कि जब बारिश नहीं आई थी तो हम ये सोचा करते थे कि भाई क्या सूखा पड़ा हुआ है, गर्मी हो रही है, हाय बारिश कब आएगी, और अब बाढ़ के आशंका की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन बहनों भाइयों, ये जो बाढ़ का पानी है, ये जो बारिश का पानी है, ये हमारे शहर में आ गया है, आसपास के क्षेत्रों में तो मैं मानता हूँ कि भाई खेतों में पहुँच गया, लेकिन अगर ये शहर में पानी है, रुका हुआ पानी, बाढ़ का नहीं बारिश का पानी है, तो ये रुका हुआ क्यों है? बहनों भाइयों, ये रुका हुआ इसलिए है क्योंकि हम लोग रुके हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि एक तो ये जो सड़कें हैं इनमें गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरी बात ये कि हमारी जो सड़कें हैं, गलियां हैं, ये कहीं कहीं तो पक्की बनी हैं तो कहीं बिल्कुल दलदल है। ऐसा क्यों है? क्यों पूरी की पूरी गली नहीं बनती है? सड़कों पर गड्ढे क्यों नहीं बुझाए जाते हैं? और जो नालियाँ हैं, जो गटर हैं, ये जाम क्यों रहते हैं? तो इसमें दो बातें हैं। एक तो वो कि जब आप शहर में गेड़ी मारने निकलते हैं तो आपने देखा होगा, अभी जाके आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो डस्टबिन है सरकारी, वो बिल्कुल भर चुके हैं, आसपास भी कूड़ा है, चारों तरफ पॉलीथीन और कीचड़ और कचरा और बदबू ये सब फैले हुए हैं, और उसे उठाने वाला, उसे साफ़ करने वाला कोई नहीं है। गलियों में पूरी की पूरी सड़क जो है वो भर चुकी है, और मेन रोड पर वो भी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं, लेकिन शुद्ध लेने वाला कोई नहीं। और हम लोग, हम सो कॉल्ड जो सिटीजन्स हैं, हम लोग भी कहाँ शुद्ध लेते हैं? हम लोग कचरा फेंकते हैं तो सीधा जाके सड़क पर फेंकते हैं, और ये नहीं कि भाई हम कपड़ों के बैग का प्रयोग करें। पॉलीथीन तो भाई चाहिए ही चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में आती है नगर निगम की गाड़ी सुबह सवेरे गाना बजाना करते हुए कि भाई आपके मोहल्ले में हम आ चुके हैं, तो कचरा आप कृपा करके उस गाड़ी में डालें। लेकिन नहीं साहब, उस वक्त तो गाड़ी में कचरा डाल देते हैं, लेकिन पूरा दिन हम यहाँ वहाँ कूड़ा करकट फेंकते रहते हैं, और नालियाँ ख़ास तौर पे पॉलीथीन से जाम हो रही है, सड़कें के जो आगे गटर है वो पॉलीथीन से जाम हो रहे हैं, इसी वजह से ये पानी का ब्लॉकेज है। और मेरे भाइयों, किसी पर आरोप प्रत्यारोप करे बिना ये हमारा ही फर्ज है कि हम लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ वॉलंटरी सर्विस करें। भाई अपने घरों से बाहर निकले और अपनी गली और नाली का जो कूड़ा है उसको साफ़ करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसे लगेंगे, लेकिन हम क्यों नगर निगम का इंतज़ार करते हैं, और क्यों हम खुद ये चीज़ें अपने आप नहीं करते? भाई थोड़ा बहुत अपने आसपास की चीज़ों के बारे में तो सोचना चाहिए। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, जब कोई संगठन होता है, बड़ा से बड़ा महासंघ होता है, तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अपनी गली और अपने मोहल्ले को साफ करने के लिए हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों नहीं बाहर आते हैं? क्यों नहीं हम मदद करते हैं? और क्यों नहीं थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं? अगर ये सब हम करते तो इतना पानी ना बढ़ता और सड़कों पर ना फैलता जो कि आज पूरे शहर में फैला हुआ है। मेरे भाइयों, ये सोचने की बात है, तो थोड़ा सा सोचिए और फिर कदम उठाइए, आवाज़ उठाइए, नगर निगम तक भी आवाज़ पहुंचाइए और अपना काम ज़रूर करवाइए। आज की ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में इतना ही। अगले एपिसोड में होगी एक और ज़रूरी बात। देखते रहिएगा यस टीवी।